हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7। देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज। सो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन। सो क्वेश्चन में हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है बेसिकली, जिसकी इंक्लिनेशन हमें दी हुई है ये 30 डिग्री है बेसिकली इंक्लिनेशन। एंड इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 किलो का बेसिकली। सो इस ब्लॉक पे क्या क्या हम फोर्सेस लग रहा है उसको लिख। सो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा एंड यहाँ प्लेन जो है इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, जिसके ऑपोजिट में हमें फोर्स मिल mg cos थीटा। थीटा बेसिकली 30 डिग्री है यहाँ पे, mg cos 30। ये प्लेन के अलोंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका mg का कंपोनेंट आ रहा होगा एस mg साइन 30 एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दी हुई है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसको f लिख सकते हैं। सो अब इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल फोर्स इक्वल आ रहा है mg cos 30 के, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 kg इंटू जी की जो वैल्यू है वो 9.8 होती है, इंटू कॉस 30 यानी कि √3/2 होता है इसका वैल्यू। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 9.8 √3 न्यूटन। एंड यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इसका फॉर्मूला यही होता है कि F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो जाता है, तो यहाँ म्यू एस है इंटू एन एंड ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा बेसिकली, स्टैटिक फ्रिक्शन है ये बेसिकली। वैल्यूज को पुट करते हैं, सो 0.7 इंटू 9.8 इंटू √3n ये वैल्यू आ रहा है। लेकिन ये जो एम जी साइन 30 है ना, ये अप्लाइड फोर्स है बेसिकली, इसको आप एफ ले लेते हैं। इसकी वैल्यू को भी हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू आ रही है 9.8। एंड सिंस ये जो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू बिगर आ गई है एज कंपेयर टू दिस अप्लाइड फोर्स एफ, सो बॉडी जो होगा वो रेस्ट पे होगा एंड फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये 9.8 होगा, क्योंकि 9.8 पे ही ये बैलेंस हो जा रहा है, तो इतना जरूरत ही नहीं है हमें। देयरफॉर 9.8 ही फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वहां पे, एफ विल बी इक्वल टू 9.8। एफ डैश कर देते हैं इसको। सो ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।